गुस्सा कम करने के 7 टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, अपना गुस्सा या अपसेट कैसे कम करना। देखिए, इसके पहले ये जानना होगा कि हमको गुस्सा आता क्यों है, अपसेट हम क्यों हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं। 3 मेन कॉजेस। एक तो क्या है कि पहला कि हमारा उद्देश्य साध्य नहीं होता, इंटेंशन जो है वो साध्य नहीं होता है, फुलफिल नहीं होता है, जो मैंने तय करके रखा था वो साध्य नहीं हुआ और फिर उसमें गड़बड़ हो गई तो फिर मैं अपसेट हो जाता हूँ, गुस्सा करता हूँ। दूसरा जो है कि अपेक्षा भंग, अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन, मतलब मैंने जो अपेक्षा की थी वैसा सामने वाले ने किया नहीं, अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन। क्योंकि एक्सपेक्टेशन हरदम ये बाहर से होते हैं, बाहर के लोगों से होते एक्सपेक्टेशन, वो फुलफिल नहीं होगी, गुस्सा आता है। जैसा उसने मुझे फेवर करना चाहिए, उसने मेरा काम करना चाहिए था, वो व्यक्ति ने मुझे ऐसा वो नहीं किया उसने, तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, वो टाइम पे आना चाहिए वो आया नहीं। पहला है थ्वार्टेड इंटेंशन, फर्स्ट जो मैंने बताया वो है थ्वार्टेड इंटेंशन, मतलब मेरा जो मकसद है वो पूरा नहीं हुआ। हो सकता है कि मुझे ये टारगेट अचीव करने थे, हुए नहीं है, तो गुस्सा आ गया। तो थ्वार्टेड इंटेंशन, अनफुलफिल एक्सपेक्टेशन एंड अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब मुझे जो बोलना था वो मैंने बोला नहीं, मैंने मेरे दिमाग में रोक के रखा, गुस्सा आया था कोई चीज़ के ऊपर, मैंने बोला नहीं, दिमाग में रोक के रखा, फुल्ली एक्सप्रेस नहीं किया, आत्म अभिव्यक्ति नहीं हुई। तो अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन एक कारण हो सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, थ्वार्टेड इंटेंशन, अनफुलफिल एक्सपेक्टेशन, अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन, ये 3 मुख्य कारण होते हैं। अब बाकी उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि पैसा किसी ने मांग लिया, पैसा दिया नहीं, पैसा लिया नहीं, जो भी कारण है पैसे के अराउंड, वो भी हो सकते हैं। ज़्यादातर गुस्सा हमें आता है अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन से, कि भाई मुझे कुछ तो भी अपेक्षा है सामने वाले से, उसने किया नहीं। अब गुस्सा आता है और बाद में फिर हम बोलते हैं अरे मैंने गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैंने संबंध खराब कर लिए, फिर कुछ लोग सॉरी भी बोल देते हैं, मगर एक बार तो गुस्सा कर लिया, उसका इंसल्ट कर लिया, अब सॉरी बोल के क्या फ़ायदा। तो हमने ये देखना चाहिए कि भाई हम गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, उसके लिए क्या करें। तो पहला है कि अपनी वार्निंग साइंस आप पहचानो, फर्स्ट टिप। ऐसा मेरे लिए मालूम है मेरी वार्निंग साइन कौन सी होती है। क्या होता है कि बातों बातों में यदि वो सामने वाला कुछ जवाब दे रहा है तो मैं वो आदमी रोकने के पहले ही मैं चालू कर देता हूँ, फिर वो कुछ बोलता है फिर मैं चालू कर देता हूँ, और फिर मुझे लगता है यार इसको समझ में नहीं आता है, और फिर मैं गुस्सा करना धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ते जाता है और मैं गुस्सा करता हूँ। तो फिर मुझे उसी समय समझ में आता है कि अरे अभी मैं इस गुस्से की तरफ जा रहा हूँ, धीरे 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 वहीं रोक देना है। तो वार्निंग साइंस अपने आप की पहचानो कि मैं गुस्से की तरफ कब जा रहा हूँ। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा लेवल है कि उसके ऊपर अभी हो गया कि मैं गुस्सा कर लूँ। नंबर 2, कारण ढूंढो कि भाई मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो क्यों गुस्सा आया मुझे, वो कारण ढूंढो और कारण के ऊपर काम करो। नंबर 3, वो जगह से निकल जाओ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जगह से निकल जाओ, फिर बाद में उसको डील करेंगे, अभी कुछ डील नहीं करने का, गुस्सा आया चलो बाजू में हो जाओ, कुछ बोलने का नहीं। 4 जो है वो पानी पी लो, लोग बोलते कि पानी पियो, 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास, आराम आराम से आराम आराम से, ताकि गुस्सा शांत हो जाएगा। नंबर 5, उल्टी गिनती करो। उल्टी गिनती करना है मतलब समझो 100 से पीछे 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 गिनती करना है, तो दिमाग उसमें लगा जाएगा, सामने जो गुस्सा आ रहा है वो कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि रिलैक्स होने के लिए टाइम निकालो। आप यदि मेडिटेशन करते हो, हिप्नोटिज्म करते हो, रिलैक्स रेगुलरली होते हो, तो आपको गुस्सा वैसे भी कम आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुस्सा दिमाग से होता है, गुस्सा बाहर नहीं है। परिस्थिति से मुझे गुस्सा आता नहीं है, मेरे मनस्थिति से गुस्सा आता है। यह कैसा मैं खुद को डेवलप करूं कि परिस्थिति कैसी भी हो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। क्योंकि गुस्सा ये हरदम रिएक्शन है, जो एक्शन हो रही है उसको। तो ये मैं कैसा खुद को डेवलप करूं कि कुछ भी एक्शन हो जाए वातावरण में, मैं रिएक्शन देने वाला नहीं हूं। तो ये भी ट्रेनिंग लेने की जरूरत होगी। हमारे ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम्स अलग अलग होते हैं, इसमें आप जरूर आइएगा। इसमें हम चर्चा करते हैं कि भाई अपसेट्स को कैसा ट्रीट करना, गुस्से को कैसा कंट्रोल करना, और उससे आपको बहुत राहत मिलेगी, आपके लोगों से संबंध अच्छे हो जाएंगे, आप बहुत पावरफुल इंसान बनेंगे। मैं फिर से 7 टिप्स जो है वो फिर से बता रहा हूँ। 1, वार्निंग साइंस पहचानो। 2, कारण ढूंढो। 3, वो जगह पे से निकल जाओ। 4, पानी पी लो। 5, उल्टी गिनती करना चालू करो। 6, रिलैक्स होने के लिए टाइम निकालो। 7, दिमाग में गुस्सा होता है यह पहचानो, जो भी है वो अंदर है वो पहचानो। थैंक यू वेरी मच।
काफी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा टाडालाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना और हमें आयुर्वेदिक चाहिए। तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना। तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी की तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वो है गोल्ड है। इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसळी, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज। ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है इसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर, वाइटलिटी बढ़ेंगी, जोश, जुनून, उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच।